गाइस गिदर बत्रा हियर फ्रॉम द स्टोरीज ऑफ फोटोग्राफी। सो वेलकम है आपका आज के व्लॉग के अंदर। काफी टाइम बाद मैं व्लॉग डाल रहा हूँ, सॉरी। आज मैं हूँ केप हाउस के अंदर, अमृतसर के अंदर, जहाँ पे हम आज स्टे करने वाले हैं। सो होप आपने पहले वाला व्लॉग जो देखा होगा, ये इतना वंडरफुल प्लेस है कि आज मैं अपनी फैमिली के साथ प्रॉपर यहाँ पे स्टे करने आया हूँ। रात रुकेंगे यहाँ पर, सुबह ब्रेकफास्ट करके फिर निकलेंगे, और मैं आपको यहाँ की सारी चीज़ें दिखाने वाला हूँ जो कि यहाँ का मेरे को अच्छा लगता है और जो कि अट्रैक्टिव है काफ़ी स्टे के लिए। और ओवरऑल मैं आपको एक दो चीज़ें बता दूं कि यहाँ पे इनबिल्ट किचन है, रूम है और अटैच पूल है, और जो कि किसी भी होटल या रूम के पास नहीं होता और पर्सनल प्रॉपर्टी पे। सो चलो चलते हैं, ज़्यादा बातें ना करते हुए मैं दिखाता हूँ आपको जो आज का व्लॉग के अंदर क्या क्या रहेगा चीज़ें। चलो आओ, लेट्स गो। सो गाइस, बाहर ये प्रॉपर्टी ऐसे लगता है और बिल्कुल इसका बोर्ड यहाँ पे आप देख।
भैया मैगी से तो भरा नहीं है पेट, और अब बनाएंगे पास्ता जो कि हम यहाँ पे ही बना देंगे ऐसे सेम जैसे मैगी बनाया था। तो चलो पास्ता बनता है, फिर पास्ता खाते हैं, और उसके बाद हम करेंगे बोन फायर बार, और जो कि स्पेस मैंने आपको दिखाया था जो कि बन रखा है यहाँ पे। आधे बेबी आप क्या कर रहे हो? आधे बेबी की स्माइल तो देखो, वाओ। ये क्या पकड़ा है आपने? पापा की वॉच पकड़ी है। ओ चलो जॉनी जॉनी कर दो, जॉनी जॉनी। यस पापा, ईटिंग शुगर। नो पापा, टेलिंग लाए। नो पापा, ओपन योर माउथ। चलो आद्य सॉन्ग सुनाएगा, सॉन्ग और अच्छा सुनाता है आद्य। चलो वो भी दूसरा भी दूसरा भी। ला 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 ला। वाओ, क्लैपिंग कर दो, क्लैपिंग कर दो। आद्य ने बहुत अच्छा सॉन्ग सुनाया, वाओ आद्य। एक भाई बड़ी अच्छी बात है कि ये जो भी चीज़ सिखाऊँ फटाफट पिकअप करती है इसको, लाइक मतलब नियर अबाउट 5-10 मिनट लगते हैं बस पिकअप करने के लिए इसको। मैंने सॉन्ग लगा के वो वाला जो है ना, कभी खुशी कभी गम वाला, वो बड़ी जल्दी पिक कर लिया इसने, वो गाया, वो भी गा रही थी जो आपने सुना अभी तो, और एक और अभी भी बैकग्राउंड में पीछे गा रही है, तो बड़ी जल्दी पिक करती है चीज़ें ये। सो गाइस, पास्ता भी अपना रेडी है, चलो खाते हैं इसको बैठ के। ये अपना यमी यमी पास्ता। चलो गाइस, पास्ता तो खा चुके हैं, अब अभी जाएंगे बोन फायर के लिए जो सबसे बढ़िया यहाँ पे। मेरे को अभी ठंड के टाइम पे चीज़ लग रही है, तो चलो देखते हैं। और आद्य भी देख लो आप, पूरी कवर्ड हो चुकी है, और इसको हम बाहर लेके जा रहे हैं बोन फायर के पास। चलो चले। सो गाइस, बोन फायर इज़ ऑन, और साथ में उधर पानी की आवाज़ भी आ रही है, और कितना बढ़िया फील है यहाँ पे भाई, नेचुरल एकदम, और बाहर के शोर से। सो गाइस, आपको चीज़ बताना चाहूँगा कि मेरे को यहाँ पे केपोस आना इतना अच्छा लगता है। क्यों लगता है? क्योंकि यार बाहर अगर हम कोई होटल वगैरह लेते हैं तो वहाँ पे इतना शोर है, सारा कुछ लाइक सिटी साइड पड़ जाता, तो ये बिल्कुल हटके है थोड़ा सा। और ये आपको नियर अबाउट पाम सिटी में पाम ग्रोव के आसपास मिलेगा केप हाउस, और एकदम बढ़िया लोकेशन है, और यहाँ पे बिल्कुल एक नेचुरल सा फील है भाई, और बिल्कुल बढ़िया। और बोन फायर है यहाँ पे, आपका एकदम बिल्कुल पर्सनल स्पेस है आपके पास, और आप इंजॉय कर सकते हैं बड़े आराम से जैसे कि हम कर रहे हैं। चलो बोन फायर इंजॉय करते हैं हम भी। आद्या बहुत मज़ा आ रहा है यहाँ पे तो, है ना आद्या? बहुत मज़ा आ रहा है यहाँ पे तो। पापा बोन फायर करके बहुत मजा आ रहा है आद्य को। आद्य, अब पापा की नेचुरल ब्यूटी खराब कर रहे हो। नो नो नो, मेरा बुब्बू है। पापा को पार करते हैं, अच्छी 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 करते हैं, ऐसे करते हैं। सो गाइस, ये अभी बैठी बैठी थक गई है, और अभी ये इसको वॉक करना है थोड़ा सा, तो इसने शूज पहन लिए हैं अपने, और अभी वॉक करेगी। चलो आद्या वॉक करो आप, ये ले लो, आ जाओ। क्या ये पता नहीं कुछ बोलते बोलते आएगी, पर ये क्या है, ये क्या था? चलो आओ, आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ। चलो गाइस, अभी हो गया सोने का टाइम, सोते हैं और सुबह देखते हैं ब्रेकफास्ट करते हैं यहाँ पे। और मैं जो चीज़ें थोड़ी बहुत विजिबल हो सकेंगी मैं आपको दिखाऊंगा सुबह यहाँ पे क्या क्या है, और गुड नाइट गाइस, सुबह मिलते हैं आपको। हेलो मॉर्निंग गाइस, होप आप सब ठीक हो गए, और बाहर तो काफ़ी ठंड है भाई, और अभी हमने ब्रेकफास्ट वगैरह करके रेडी हो चुके हैं नेक्स्ट डेस्टिनेशन के लिए जाने के लिए, और तब तक आप बने रखिए। पूरा व्लॉग आपने देख लिया होगा, अपने कमेंट्स ज़रूर आप लिख दीजिए, तब तक मैं आपको एक साथ वाली जो यहाँ पे और भी रूम्स है वो मैं आपको दिखा देता हूँ, आप देखिए उसको। सो गाइस, ये है दूसरे वाला रूम जो मैं आपको दिखाने जा रहा था, ये भी बिल्कुल ऐसे सिमिलर है, बट इसमें थोड़ा सा चेंजेस है कि लाइक इसमें पार्टीशन है, और बेड वाला एरिया जो है वो आप उस साइड पर देख सकते हैं, जैसे कि ये मैं आपको दिखाना चाहूँगा इस साइड पर है ये चीज़ है।
यहाँ पे, और जो इसका टीवी वगैरह है वो यहाँ पे प्लेस है, और जो वॉशरूम है वो आपको इस साइड में मिलेगा, ये वाली साइड पे। तो ये है बिल्कुल यहाँ से इसका सीनिक व्यू बहुत अच्छा है बाहर का, आप देख सकते हो यहाँ से पूल साइड ये प्रॉपर ओपन हो जाता है, आप यहाँ से एरिया पे जा सकते हो और काफ़ी अच्छा है ये भी। दिस वन यू कैन ऑल्सो सिलेक्ट दैट। और अपना कॉमेंट्स करना मत भूलिए, और ऐसी डेस्टिनेशन को देखने के लिए अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया जल्दी से सब्सक्राइब कर लो आप, ताकि आपको जो अच्छी सी वीडियोज़ हैं वो आपको ऑलरेडी दिखती रहे, शॉर्ट्स भी आप देखते रहिएगा। और मिलते हैं गाइज नेक्स्ट व्लॉग के अंदर, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, बाय बाय गाइज़।